हे बच्चा वार्टी, सो बताओ मुझे कि आपको क्या बलून्स पसंद हैं? अगर पसंद है तो कौन कौन से कलर के बलून पसंद है वो मुझे आप वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके इंग्लिश क्लास 3 चैप्टर नंबर 9 यूनिट 5 और बढ़िया सी पोएम है जिसका नाम है द बलून मैन एंड दिस पोएम इज रिटन बाय रोज फाइलमैन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये पोयम। सबसे पहले हम देख लेते हैं, डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट, लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विथ हिम। यहाँ पे बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि अब बताओ कि क्या आपके मार्केट में बलून मैन आता है क्या? गुब्बारे बेचने वाला जो मैन होता है वो आता है क्या गुब्बारे बेचने के लिए? वो आपको आंसर बताना है। अब हम देखते हैं कि ये जो बलून मैन है वो अपने साथ क्या क्या लाया है उसके बारे में जो पूरी पोयम है वो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये जो पोयम है वो एक यंग गर्ल्स के नज़रिए से लिया गया है कि वो क्या सोच रही है बलून मैन को देख के। सो लेट्स बिगिन द बलून मैन। He always comes on a market days and holds balloon a lovely bunch and in the market square he stays and never seems to think of lunch। आपको इस तरह रिसाइट करनी है या फिर अपने तरीके से रिसाइट आपको करना है। ओके, सो हियर वी गो। ही ऑलवेज कम्स ऑन अ मार्केट डेज। तो जब भी बाजार के दिन होते थे वो हर टाइम वो अवेलेबल होता था, वो मार्केट में आता था अपने बलून बेचने के लिए। एंड होल्ड्स बलून एंड लवली बंच। वो बलून होल्ड मतलब कि पकड़ना, वो क्या पकड़ के खड़े रहता था मार्केट में? बलून्स। अ लवली बंच, लवली मीन्स प्रिटी और बंच मीन्स गुच्छा। जो बलून्स, बहुत सारे बलून को एक ही गुच्छे में वो पकड़ के वहां पे क्या हो रहा था, खड़े रहता था। कहाँ पे? मार्केट में। अब मार्केट में कौन सी जगह पे वो खड़े रहता था वो हम अगली दो लाइन में समझने वाले हैं। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। अब देखो मार्केट के अंदर जो स्क्वायर होता है, जो बीचों बीच वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पे वो खड़ा रहता था। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। और यहाँ पे ये जो यंग गर्ल है वो बोल रही है कि ऐसा लग रहा था कि ये गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे बेचने में इतना खो गया था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कभी सोचता होगा खाने के बारे में। वो पूरा अपने बिजनेस में क्या है, पूरा डूबा हुआ है। आगे का हम देखते हैं। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन इट इज अ सनी डे द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन एंड यू सी देम शाइनिंग फार अवे। दे आर, यहाँ पे दे आर का शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। दे आर मतलब किसको इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, जो बलून है उसके बारे में। तो यहाँ पे उसका जो कलर कौन सा है उसके बारे में बताया गया है कि बलून मैन के पास कौन कौन से कलर के बलून हैं। तो दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। तो कौन कौन सा है? रेड कलर का है, पर्पल है, ब्लू है और ग्रीन कलर के उसके पास क्या है, बलून्स हैं। And when it is a sunny day मतलब क्या होता है, जब सूरज पूरी तरह खिला हुआ होता है, एक भी बादल स्काई में होता नहीं है, तेज धूप आ रही होती है, तो वैसा sunny day होता है। जब होता है तब क्या होता है? The cars and people get between and you see them shining far away। अब देखो ये जो हमारा जो बलून मैन है वो मार्केट के स्क्वायर में खड़ा रहता था, ठीक है। तो जब भी सन्नी डे होता था तो लोग अपने जो दूसरे जो मार्केट में बेचने वाले होते हैं वो अपने कार्ड्स या बहुत सारी वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती थी और वहाँ पे बीच में कौन हुआ करता था, बलून मैन। बट फिर भी आप दूर से देखोगे ना तो भी वो बलून आपको नज़र आएंगे क्योंकि बलून तो हवा में उड़ रहे थे और उसकी जो डोर थी वो किसके हाथ में थी, बलून मैन के, और वो चमकते हुए हमें दूर से भी नज़र आते हैं। फिर नेक्स्ट अंजा में देखते हैं, एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि जो बलून हैं वो कैसे थे। तो कैसे थे? कुछ छोटे थे और कुछ बड़े थे, जो बिग और स्मॉल। तो यहाँ पे देखो अपोजिट वर्ड भी है, बिग का अपोजिट वर्ड कौन सा होगा, स्मॉल, और स्मॉल का अपोजिट वर्ड कौन सा होगा, बिग। तो कुछ बलून थे वो छोटे थे, कुछ बलून थे वो बड़े थे।
ऑल टाइड टूगेदर विथ अ स्ट्रिंग। यहाँ पे बताया गया कि जो सारे बलून थे वो एक धागे से, एक डोरी से बंधे हुए थे। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। और जब भी वहाँ पे जब हवा चलती थी ना, तो आपने देखा होगा अपनी नज़रों से कि बहुत सारे हमारे हाथ में बलून होते तो टग एंड टग, तो ऐसा बलून इस तरह बिहेव करता है कि वो वहाँ से निकलना चाहता हो, अपने आप को खींचता है, उस तरह का वहाँ पे नज़ारा होता है। आप भी अगर नेक्स्ट टाइम बाजार जा रहे हो और उस वक्त हवा तेज़ चल रही है, तो आप ऑब्जर्व करना बलून मैन और उसके जो बलून हैं उसको, किस तरह बलून आपस में ऐसे हवा में और ज़्यादा तेज़ वहाँ से छटकने की कोशिश कर रहे होंगे। समडे फिर यहाँ पे जो बच्ची है अपना पर्सपेक्टिव बता रही है कि वो क्या देख रही है, वो क्या सोच रही है। समडे किसी दिन, परहैप्स, परहैप्स मतलब कि शायद, वी विल लेट देम गो, वो क्या करता होगा, उनको छोड़ देता होगा। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हार, और हम वो जो बलून है उनको देख सकते हैं कि हवा में ऊपर ही ऊपर सेल करते हुए। And stand and watch them from below, they would look pretty in the sky. हम कहाँ खड़े रहेंगे, नीचे खड़े रह के उनको देखेंगे, और वो जो sky में जब वो sail करेंगे, हवा में लहरा के वो जब उड़ेंगे ना, तब वो balloon कैसे नज़र आएंगे हमें, बहुत ही ज़्यादा pretty, beautiful हमें नज़र आएंगे। Lovely जो नज़ारा होता है एक साथ बहुत सारे balloons जब हम sky में छोड़ते हैं ना, तो उसका नज़ारा अलग ही होता है, आपको अच्छा लगता है कि वाओ क्या नज़ारा है। तो यस बच्चों, तो इसी के साथ ये जो हमारी जो पोयम है द बलून मैन, यहाँ पे क्या होती है, ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो देर किस बात की, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो मिलते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।